नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज निगाहें प्रिंस के साथ। जनपद संबल लोकसभा चुनाव को सहकुशल संपन्न करने हेतु जिले में पुलिस जिला अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन भैजोई में पुलिस प्रशासन के लिए दंगे पर नियंत्रण का अभ्यास कराया गया, जिसमें महोदय द्वारा एंटी राइट गन व आंसू गैस आदि चलाने का अभ्यास कराया गया तथा बलवा ड्रिल करा के दंगों से निपटने के तरीके बताए गए। और क्या कुछ खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस को चुनावी दौर में होने वाली हर समस्या से निपटने के तरीके सिखाए जा रहे हैं और उन्हें विस्तार पूर्वक समझाया भी जा रहा है, जिसमें जनपद संबल के समस्त थाना प्रभारी कर्मचारीगण आदि को प्रशिक्षण दिया गया है। जनपद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस अभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व किया गया, इसके लिए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। एंटी राइड ड्रिल किया गया है जनपद संभल के पुलिस लाइन में और सभी थाना अध्यक्ष और उनके साथ कांस्टेबल और पुलिस बल इसमें शामिल था। सभी को सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में सारी प्रैक्टिस कराई गई है, कैसे बलबाइयों दंगाइयों के साथ बल प्रयोग करना है, लाठी प्रयोग करना है, कैसे उनको डिस्पर्स करना है और कैसे टीयर गैस गन और एंटी राइड गन का इस्तेमाल करना है, कैसे बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट डंडा कितनी जल्दी से जल्दी एक मिनट ड्रिल के अनुसार उसको धारण करना है और फिर तत्काल जाके कार्रवाई में शामिल होना है। इस तरीके से सभी पुलिस बल को सेंसिटाइज किया गया है। आने वाले इलेक्शन के दौरान पूरे क्षेत्र में इसको लागू किया जाएगा और सभी क्षेत्र में अभी एंटी राइड स्कीम भी लागू की जाएगी जनपद में और ये एंटी राइड ड्रिल के बाद एंटी राइड स्कीम पूरे क्षेत्र में लागू रहेगी। प्रत्येक चुनाव से पहले इस तरीके के प्रशिक्षण पुलिस के लिए बेहद जरूरी है, ताकि चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा पर आसानी से काबू पाकर शांतिपूर्ण चुनाव कराया जा सके। तेज निगाहें के लिए संदीप कुमार के साथ जनपद संबल से गजराम सिंह यादव की रिपोर्ट। तेज निगाह के दर्शकों से अपील है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी कमेंट करना ना भूलें। डीजे प्रिंस सोलंकी को इजाजत, नमस्कार।